तो बेटा आज हम आपके थर्ड चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी फास्ट रिवीजन, सिंथेटिक फाइबर, क्लास 8 स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बेटा सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। हमारे सिंथेटिक फाइबर मैनमेड फाइबर्स होते हैं जिनको प्रिपेयर बाय नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ ए पेट्रोलियम रीजन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो जो क्या बनते हैं, रॉ मटेरियल से बनते हैं पेट्रोलियम, जिनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए मैनी स्मॉल यूनिट। तो इसमें क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं। स्मॉल यूनिट्स क्या होते हैं, इकट्ठा होकर हमारे पास मोनोमर्स बनते हैं, और मोनोमर से फर्दर क्या हमारे पास फॉर्म होता है, पॉलीमर। तो मोनोमर, जब भी बहुत सारे मोनोमर्स या स्मॉल यूनिट मिक्स होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसको पॉलीमर फॉर्म होते हैं हमारे पास। तो वाइल्ड नेचुरल फाइबर अपटेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर अपटेन बाय केमिकल प्रोसेस ऑफ पेट्रोकेमिकल। तो क्या है, सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से प्रिपेयर होते हैं, मीन केमिकल से प्रिपेयर होते हैं। तो नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलते हैं हमें, अप फ्रॉम दी प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो नेक्स्ट, लाइक नेचुरल फाइबर दीज फाइबर कैन आल्सो वुवन इन टू फैब्रिक। तो लाइक नेचुरल फाइबर, जैसे हम इनको चेंज करते हैं वुवन इन टू फैब्रिक, तो इनको भी ऐसे चेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजिंग रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, शिप्स, हेल्थ केयर। तो क्या किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया जाता है बहुत सारी हमारी हाउस होल्डर्स बनाने के लिए, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के लिए, घर पे आप बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करते हो उन सबको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक। तो जो केमिकल होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं। तो इनके क्या क्या नाम है, हमारे फोर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एसराइलिक। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी। तो क्या होते हैं ये, इनकी कॉस्ट भी कम होती है, बर्निंग नेचर बर्निंग होता है ये, स्ट्रेंथ होती है इसमें, वाटर अब्जॉर्बिंग होते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अवर टाइप इज रेयॉन। तो रेयॉन क्या है, हमारा फर्स्टली मैनमेड फाइबर था जिसको सेलालूज से बनता था, अपटेन फ्रॉम वुड पल्प से इसको अपटेन किया गया है, जिसको यूज़ किया जाता है मेक कंटेनर एंड कास्ट हाफ अपहोस्टली। तो कार्स में यूज़ किया जाता है, कंटेनर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अवर नाइलॉन। तो नाइलॉन क्या है, पॉलीमाइड है और ये बनता है पेट्रोलियम से। तो ये लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होता है, और ये क्या करता है, दी फैब्रिक अलाउ इजी वेपोरेशन एंड ड्राइज। तो ये क्या करता है, इजीली वेपोरेश हो जाता है और ड्राई होता है। इट इज़ यूज्ड इन दी पैराशूट, फ्लास्क, वेस्ट। तो यूनिफॉर्म टाइप्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीएस्टर। तो वर्सेटाइल एंड इंपॉर्टेंट मैन मेड फाइबर। तो ये क्या होता है, अपॉर्टेंट मैन मेड फाइबर होता है। तो ये क्या है, इसके बहुत अच्छे करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी स्मूथ शेप होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है। तो जो आप पार्टी वगैरह में, मैरिज वगैरह में ड्रेसेस पहनते हो, ये सारे ड्रेसेस इसके बनते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका पॉलीएस्टर्स। तो पॉलीएस्टर्स का क्या हमने बोला, ड्रेसेस और सूट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एसराइलिक। तो एसराइलिक क्या होता है, ये फाइबर होता है जो वूल से बना होता है, लाइक स्वेटर्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, अच्छा होता है, चीप होता है और नेचुरली से ज़्यादा वॉर्म होता है, लाइट वेट होता है। नेक्स्ट वन इज अवर प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर। तो जैसे हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, प्लास्टिक भी हमारा क्या होता है, पॉलीमर होता है। सम प्लास्टिक हैव ए लीनियर अरेंजमेंट, कुछ प्लास्टिक की लीनियर अरेंजमेंट होती है, एंड सम हैव ए क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, कुछ की क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है। तो एग्जाम्पल पॉलीथीन। तो जब भी हमारे पास
क्या होता है, अथीन प्लस अथीन होता है तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, तो हमारे पास जब भी बहुत सारे अथीन थीन इकट्ठा होते हैं तो पॉलीथीन फॉर्म होता है, मीन जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, एयर के साथ, और लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, और पुअर कनेक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि जब भी आप देखते हो ये हीट को अलाउ नहीं करता, डोंट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम। तो ये क्या है, द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो लेकिन ये इसका जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि जो हम जब भी हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इससे पॉइजन गैस रिलीज होती है जो हमारे लिए बैड है, जो हमारी हेल्थ इशू क्रिएट कर सकती है। दिस इज़ द बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, क्योंकि इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है, क्योंकि ये मतलब सॉइल में मिक्स नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, इसको गलने में बहुत सा टाइम लगता है, तो हमें इसका यूज़ कम करना चाहिए। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, नेचुरल मटीरियल लाइक वुड एंड पेपर बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायो लिविंग, तो डिग्रेडेबल एबल टू ब्रोकन डाउन। तो ये क्या होते हैं, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। द कंट्रास्ट मोस्ट प्लास्टिक डू नॉट डिके, तो ये वैनिश नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। द लाइट वेट नेचर ऑफ प्लास्टिक कैन आल्सो बी प्रॉब्लम, तो लाइट वेट क्या है, इसका प्रॉब्लम है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज आल्सो रिलीज पॉइजन, तो ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, दिस वेव प्लास्टिक पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो बच्चे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये आपने इसको रिवाइज करना है। Thank you, students.